के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी के मोदी के मोदी के, हम है मोदी के मोदी के मोदी के। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के आजादी की पाठशाला में। और आज दिन है फ्राइडे, जिसमें हम बात करते हैं फार्मर्स फ्राइडे की, हमारे फार्मर से जुड़े हुए मोदी केयर की एक ऐसी कैटेगरी की जो ना कि फार्मर्स की हेल्प करती है, उनको अच्छी फसल दिलाने में हेल्प करती है, बल्कि उनके बिजनेस को भी अच्छा बढ़ाने में मदद कर सकती है और उनको आर्थिक आजादी भी दिला सकती है। तो आइए आज सीखते हैं अपनी इसी मोदी केयर की एक स्पेशल कैटेगरी के बारे में, जो कि है हमारी मोदी केयर की एग्रीकल्चर कैटेगरी। सो एग्रीकल्चर हमारे देश का एक विशेष, आप कह सकते हैं, टॉपिक है। एग्रीकल्चर विशेष इसलिए है क्योंकि हमारे देश की लगभग 65-70% जनसंख्या सीधे रूप से इस पर निर्भर करती है, और यही नहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी हमारे एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। तो ऐसे में जहां इतनी महत्वपूर्ण भूमिका एग्रीकल्चर हमारे यहां निभा रहा है, इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाते हुए एग्रीकल्चर को कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, आज जब हम कृषि से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करने की वजह से कृषि पे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, खेत की मिट्टी पे बुरा प्रभाव पड़ता है, कभी कभी जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है तो भी बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं, बारिश हो जाती है तो बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं, ज्यादा पाला लग जाता है तो भी बुरे प्रभाव पड़ते हैं। ये सारी समस्या दिन प्रतिदिन कृषि में बढ़ती जा रही, मगर इन सब के बीच कुछ ऐसी समस्या ऐसी भी हैं जिनका निवारण बहुत मुश्किल है। जी हाँ, और भविष्य में इनके लिए विकल्प खोजना बहुत जरूरी है। इन्हीं सारी समस्याओं में मैं एक समस्या आपके सामने आज रखना चाहूंगा। हमारी जो दिन प्रतिदिन जो खेती की जमीन कम होती जा रही है, जो हमारा कृषि का क्षेत्र कम होता जा रहा है, और लोगों का इंटरेस्ट भी अब कम होता जा रहा है, इन सब को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें पता चलेगा कि आज किसान बहुत कम जमीन पे बहुत ज्यादा फसल उगाने में उगाने के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। जी हाँ, उन पे बहुत ही दबाव है, बहुत ही बल है, क्योंकि
एक समय पे जहां कृषि क्षेत्र जब ज्यादा हुआ करता था और जनसंख्या कम हुआ करती थी, तो एक किसान जहां वो 15-20 लोगों की पेट भरने की जिम्मेदारी हुआ करती थी, अगर आज की अपेक्षा की अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा आज जहां खेती के लिए क्षेत्र कम होता गया है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज उसी किसान पे करीबन 200 या इसके आसपास के लोगों की पेट भरने की जिम्मेदारी बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है किसानों पे इसका तनाव बढ़ेगा। तो ऐसे में हम किसानों के इन तनाव को कम कर सकते हैं अपने मोदी केयर के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के द्वारा। ये हमारे मोदी केयर के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ना सिर्फ फसलों की पैदावार को बढ़ाते हैं, किसानों के समय, लाभ, ऊर्जा इसको भी बचाते हैं और किसानों का प्रॉफिट बढ़ा देते हैं। तो आइए आज अपने इसी एग्रीकल्चर की श्रृंखला में हम बात करते हैं हमारे मोदी केयर के इन्हीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारी मिट्टी, फसलें, पौधे, बीज, इनको पोषण प्रदान करने में मदद करते हैं। हमारे जो मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहयोग के द्वारा इनको तैयार किया गया है और साथ ही लगभग कई प्रकार की फसलों पे कई हमारे कृषि के विश्वविद्यालयों के द्वारा इनकी टेस्टिंग भी की जा चुकी है। कई सारी फसलों पे इनको देखा जा चुका है इस्तेमाल करके, और ये पाया गया है कि जो हमारे मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये वर्सेटाइल प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग आवश्यकताएं पौधों की पूरी करते हैं और उन्हें सक्षम बनाने में, उनकी अच्छी पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं। सो बात करें अगर हम मोदी केयर के अपने इस प्रोडक्ट की, तो हमारे देश में दो प्रकार के सीजन्स होते हैं जिसमें बुआई होती है। खरीफ की, जिसकी हम गर्मी में बुआई करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर मी। सो जो हमारी ये जो फसलें हैं समर की और विंटर की, तो जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, इनको हम किसी भी सीजन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे वो गर्मी में जो हम बाजरे की खेती कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं, कोकोनट ग्राउंड की खेती कर रहे हैं इनमें, या राबी की फसल में जहां पर हम बार्ले, ग्राम्स या सरसों की खेती कर रहे हैं, तो इनकी किसी भी फसलों में, किसी भी सीजन की फसलों में आप इन एग्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे अलग अलग राज्य की उनकी कुछ प्रमुख फसलें भी होती हैं। तो फिर हमारे देश का कोई भी राज्य, कोई भी फसल, हर एक जगह पे हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को, एग्री प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं और अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ये तो है हमारे मोदी केयर के एग्री प्रोडक्ट्स की कुछ विशेषताएं। और इन्हीं में हम आज जो सबसे पहले प्रोडक्ट को समझेंगे वो प्रोडक्ट है हमारा मोदी केयर का, जिसकी मैं एक्टिव एटी। एक्टिव एटी ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा शक्तिशाली प्रोडक्ट है जो हमारे कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों की सक्रियता को बढ़ाता है, उनके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है और उनकी प्रभाव शक्ति को बढ़ा देता है। तो है क्या एक्टिविटी, ऐसा क्या करता है जो इतने सारे फायदे हमें देता है? पहली बात, नौ हमारा जो एक्टिव एटी है ये एक यूनिवर्सल नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। ये एक लाइन ही पूरी परिभाषित कर देती है हमारे एक्टिविटी को। यूनिवर्सल यानी कि इसको आप किसी भी प्रकार की फसलों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन आयनिक है यानी कि ये
पानी में घुलने के बाद किसी प्रकार के आवेश में नहीं टूटता। दूसरा एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, मतलब एक्टिविटी को आपको कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों के साथ मिलाकर यूज करना है, इसको आप अकेले यूज नहीं करेंगे। जैसे शून्य है, शून्य जब किसी अंक के आगे लगाया जाता है तो ये उसके अंक को, उसके मूल्य को बढ़ा देता है, वैसे ही एक्टिविटी भी शून्य की तरह, ये अपने आप में जीरो है, मगर जिस भी कृषि उत्पाद के साथ आप इसको लगा देंगे, मिला देंगे, ये उसकी कार्य शक्ति को बढ़ा देगा, उसके मूल्य को बढ़ा देगा। तो किन उत्पादों के साथ इस्तेमाल करना है? तो कृषि में हर वो उत्पाद जिनको हम पानी में घोल के स्प्रे करते हैं, स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है ना, तो स्प्रे करते हैं उनके साथ आप मिलाकर इसको यूज करें, फिर चाहे वो हमारे पेस्टिसाइड के घोल हो, चाहे फॉलियर फर्टिलाइजर्स यानी कि जिनका हम छिड़काव करते हैं, जिन फर्टिलाइजर्स का वो हो, डिफोलिएटर्स यानी कि वो दवाइयां जो पौधों से फूल फल पत्तियां टूटने से बचाती हैं, या प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं जो हम दवाइयां पौधों को पोषण प्रदान करने के लिए देते हैं। तो ऐसी सारी चीजें जिनको हम पानी में घोल के स्प्रे करते हैं, उसके साथ आप एक्टिविटी को मिलाकर जरूर स्प्रे करें, क्योंकि ये करेंगे क्या, ये इन्हीं उत्पादों की सक्रियता को, प्रभाव शक्ति को, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ा देंगे। तो ओवरऑल अगर आप एक्टिविटी को देखें तो आपको पता चलेगा एक्टिविटी एक बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर है यानी कि सक्रियता बढ़ाता है, वेटर है यानी कि पानी के आर्द्रक क्षमता को बढ़ाता है, गीलेपन की क्षमता को बढ़ाता है, और स्प्रेडर है यानी कि पानी के फैलाव को भी बढ़ाता है। तो एक्टिविटी काम कैसे करता है, कैसे इतनी सारी चीजें कर पाता है? दरअसल जब कभी भी हम कोई भी चीज पानी में घोल के स्प्रे करते हैं, या पानी को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि पानी हमेशा एक प्रयास में रहता है कि वो अपने आप को सिकोड़ के रखे, संकुचित करके रखे, श्रिंक करके रखे। इसीलिए पानी का जो आकार होता है वो बूंदों के रूप में होता है, और वो बूंद कैसी होती है, गोल गोल होती है। दरअसल ये जो पानी को गोल आकार देता है या जो इनको सिकोड़ के रखने में मदद करता है, वो होता है हमारे पानी के बूंदों के ऊपर पड़ने वाला, वातावरण के द्वारा पड़ने वाला सतही तनाव, जिसको हम अंग्रेजी में सरफेस टेंशन कहते हैं या पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। ये सरफेस टेंशन की वजह से पानी जो है वो ना तो ठीक से फैल पाता है, ना अवशोषित हो पाता है, और ना ही चिपक पाता है। तो ऐसे में एक्टिविटी इसी सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव को तोड़ देता है, जिसके कारण पानी की कार्य शक्ति बढ़ जाती है, पानी का फैलाव अच्छा होता है, उसका अवशोषण भी बहुत अच्छा होता है, और वो अच्छे से चिपक के भी रहता है। आपको स्क्रीन पे दो उदाहरण दिख रहे होंगे, एक वो पत्ता दिख रहा होगा जिसके ऊपर आपको बूंदे बूंदे दिख रही है। जी हाँ, ये वो पत्ता है जिसमें हमने पेस्टिसाइड का छिड़काव किया है एक्टिविटी के बिना, और आपने भी ये काफी सारी चीजें, जितने भी हमारे किसान लोग हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, कि अनुभव लिया होगा कि जब कभी भी हम पेस्टिसाइड का छिड़काव पानी में घोल के करते हैं तो जहां जहां बूंदे होती है वहां वहां कीड़े नहीं खाते, मगर जहां जहां बूंदे नहीं होती है वहां वहां कीड़े खा लेते हैं, जिसके फलस्वरूप किसानों का लाभ कम हो जाता है क्योंकि उनकी फसलों का नुकसान हो जाता है। वहीं अगर हम एक्टिविटी को मिलाकर पेस्टिसाइड का छिड़काव करें तो हम देखेंगे, जैसे दूसरे पत्ते पे आप, दूसरे इस फोटो पे आप देख पा रहे होंगे, पिक पे देख पा रहे होंगे कि पूरा पत्ता भीगा हुआ है पेस्टिसाइड के घोल से। यही होता है जब आप एक्टिविटी को मिलाकर स्प्रे करते हैं। एक्टिविटी पानी की सतही तनाव को तोड़ता है, जिससे कि एक समान रूप से हर एक पत्ते फूल फल पे पेस्टिसाइड्स फैल जाते हैं, और जिस कारण पेस्टिसाइड होने के कारण कोई भी कीट, कोई भी कीड़े उस पे हमला नहीं कर पाते, अंततः हमारी जो फसल है
वो सुरक्षित रहती है, और जब फसल सुरक्षित रहती है तो पैदावार अच्छी होती है, जिससे कि किसानों का लाभ भी बढ़ जाता है। तो ये है एक्टिव एटी की कार्य करने का तरीका। एक्टिविटी इसमें सक्रिय तत्व 80% है और इसके बहुत ही शक्तिशाली रिजल्ट्स हैं। इसके ये पेस्टिसाइड के फंक्शंस को करने में काफी मदद करता है। नॉन आयनिक इन नेचर है, यानी कि किसी भी तरीके के पार्टिकल चार्जेस में नहीं है। इसको आप पानी में घोलते हैं तो ये किसी भी तरीके से आवेश में नहीं आता है। हर प्रकार के पेस्टिसाइड के साथ सुटेबल है ये। एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर है, ऑल पर्पस नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट, यानी कि ये इफेक्टिवनेस को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। और जब कभी भी हमारे पौधों में फसलों में जब हेयरी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं या वैक्सी लेयर्स बन जाती है जिसके कारण अवशोषण नहीं हो पाता है, तो ऐसे में भी ये पेस्टिसाइड्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काफी मदद करता है। साथ ही ये कंपैटिबल है, नॉन कोरोसिव है, सेफ है और नॉन फाइटोटॉक्सिक, यानी कि इसमें किसी प्रकार के विषैले पदार्थ नहीं पड़े हैं, पूरी तरीके से फसलों के लिए और हम लोगों के लिए सुरक्षित है, जिसे आप किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ऑयल बेस्ड लिक्विड, इन सब के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्टिविटी कैसे हमारे किसानों की मदद करता है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। एक्टिविटी जो है ये पेस्टिसाइड की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यानी कि उसकी कार्य शक्ति को बढ़ा देता है। जिससे होता क्या है, जो बार बार पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ता है वो कम हो जाता है। तो जब पेस्टिसाइड का छिड़काव बार बार नहीं करना पड़ेगा तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बचती है, हमारी लेबर कॉस्ट बचती है, एंड ऑफ कोर्स सबसे महत्वपूर्ण समय बचता है। तो जब ये चीजें बचेंगी यानी कि लागत कम होगी, और लागत कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इसी तरह से सिंचाई के लिए बहुत अच्छा सहायक होता है एक्टिविटी। जी हाँ, अब जहां टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है, किसान ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करने के लिए मजबूर है, क्योंकि आधे से ज्यादा पानी तो वायु में और धूप और गर्मी के कारण वाष्पीकरण हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचता भी है तो अवशोषित नहीं होता, इधर उधर अलग चला जाता है। ये भी किसानों का नुकसान है। अगर सिंचाई में भी एक्टिविटी का आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे खेत जो है वो ज्यादा से ज्यादा पानी सोख लेंगे, क्योंकि एक्टिविटी एक बहुत अच्छा वेटर है, गीलेपन को बढ़ाता है, अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। तो ज्यादा से ज्यादा जब खेत पानी को सोख लेंगे तो खेतों में नमी अच्छी बनी रहेगी, और जितनी अच्छी नमी बनी रहेगी उतनी अच्छी जड़ प्रणाली बनेगी, यानी कि रूट सिस्टम डेवलप होगा, और जितना अच्छा रूट सिस्टम डेवलप होगा उतने पौधे हमारे शक्तिशाली बनेंगे। तो इस तरीके से ये सिंचाई में सहायक करती है। तो ओवरऑल एक्टिविटी किसानों के समय को, ऊर्जा को और पैसा, तीनों को बचाने में मदद करती है, लागत कम करती है, पैदावार बढ़ाती है, जिससे कि किसानों का लाभ बढ़ जाता है। इस्तेमाल कैसे करना है एक्टिविटी को, तो इसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक मौसम की हर एक फसल पे आप इन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका एक समान ही रहेगा। जैसे कि अगर आप कीटनाशक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, फफूंदी नाशक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉलियर फर्टिलाइजर या डिफोलिएटर प्लांट न्यूट्रिएंट्स इनके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रति 15 लीटर पानी में 5 ml एक्टिविटी को घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं। खरपतवार नाशक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रति 15 लीटर पानी में 20 ml एक्टिविटी को डालें। और सिंचाई के लिए ये एक मानक है कि लगभग 1 एकड़ में 80 लीटर पानी में जो इस्तेमाल होता है उसमें हमें प्रति 80 लीटर में 160 ml एक्टिविटी को मिलाकर स्प्रे करना है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है जिसमें हमें ये मालूम ही रहता है कि अधिकतर हमारे किसान लोग ये जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी उत्पाद आप कृषि में इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक पैच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। तो वैसे ही एक्टिविटी को भी पूरे खेत में इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट कर लें, एक छोटे से टुकड़े पे उसका इस्तेमाल करके जरूर चेक कर लें। तो ये है हमारा एक्टिव एटी, और आज इस एक्टिव एटी के साथ हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के बारे में आज जानकारी लेंगे, जो कि एक आविष्कारी उत्पाद है। जी हाँ, एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है मोदी केयर के लिए,
और किसानों के लिए। जी हाँ, एक्टिव मैक्स, ये नाम से ही बताता है, एक्टिव मैक्स मैक्सिमाइजेस द प्लांट ग्रोथ, यानी कि ये फसलों की वृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है, पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। एक्टिव मैक्स ये एक माइक्रोबायोलॉजिकली रिसर्च प्रोडक्ट है, जिसमें कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं, यानी कि सक्रिय तत्व लिए गए हैं, वो समुद्री पौधों से लिए गए और वो उन्हें खास माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा तैयार किए। एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन है ये, जो पौधों की चयापचय क्रिया को बढ़ाता है, जिससे कि फसलों की पैदावार बढ़ती है, ग्रोथ अच्छी होती है और किसानों का लाभ भी अच्छा होता है। एक्टिव मैक्स की अगर हम बात करें कि इसे हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो देखिए, एक्टिव मैक्स सबसे पहले तो हमारे जो बीजों का अंकुरण की समस्या है उसको दूर करता है। जो अजैविक तनाव है, जैसे कि बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है या पाला लग जाता है, ऐसे में ये उनको अजैविक तनाव से बचाने में मदद करेगा। हम चाहते हैं कि हमारी फसलों की पैदावार अच्छी हो, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी हो, फसलों की गुणवत्ता अच्छी हो, तो एक्टिव मैक्स जरूर यूज करें। और साथ ही अगर हम चाहते हैं मिट्टी के स्वास्थ्य को हम अच्छा रखना चाहते हैं, तो भी एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल जरूर। तो एक्टिव मैक्स विशेषतः हमारे जो फसलें हैं, जो उनकी पैदावार को बढ़ाने में अवरोध उत्पन्न करने वाले फैक्टर्स हैं, यानी कि रेजिस्टेंट कॉज करने वाले फैक्टर्स हैं, ये उन पे बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। जी हाँ, हमारी फसलों की पैदावार को रोकने में मुख्यतः ये चार फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। जैसे पहला है न्यूट्रिएंट डिमांड, यानी कि पोषण की आवश्यकता। जैसे हम मनुष्य हैं, वैसे ही पेड़ पौधे भी हैं। जैसे हमें अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग भोजन की या भोजन की मात्रा की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारी फसलों को भी अलग अलग अवस्था के अनुसार अलग अलग पोषण की आवश्यकता होती है। और अगर ये नहीं मिलेगा तो फसलों की पैदावार अच्छी नहीं होगी। दूसरा है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी। हर एक भाग तक, यानी कि पौधे के हर एक भाग में पूरा पोषण पहुंचना आवश्यक है। अगर वो पोषण नहीं पहुंचेगा तो भी फसलों की पैदावार अच्छी नहीं होगी। साथ ही सॉइल इनकैपेबिलिटी, यानी कि अगर मिट्टी हमारी सक्षम नहीं है तो भी वो फसलों को अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। और अजैविक तनाव, जी हाँ, जो हमारे वश में नहीं होते, जो हमारे वातावरण पे निर्भर करते हैं, जैसे कि सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना या पाला लग जाना। तो ये जो चारों फैक्टर्स हैं जो हमारी फसलों की पैदावार को बढ़ाने से रोकते हैं, इन सब पे काम करता है हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन एक्टिव मैक्स। और इसे खास तैयार किया गया है आईनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा। आईनेट टेक्नोलॉजी, जिसका पूरा नाम है इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी, तो ये नाम से ही बताता है, न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी, यानी कि ये पौधों को पोषण पहुंचा के उन्हें काबिल बनाता है, उन्हें सक्षम बनाता है अच्छी पैदावार के लिए और फसलों की अच्छी गुणवत्ता के लिए। तो आईनेट टेक्नोलॉजी है क्या? आईनेट टेक्नोलॉजी में मुख्यतः चार चीजें हैं। पहला, इसका रॉ मटेरियल। दूसरा, इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले रिसर्च बैक्टीरिया। तीसरा, जिस माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा इसे तैयार किया गया है। और चौथा, इसका फॉर्मुलेशन एक्सपर्टाइज होना। तो पहले इसके रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल इसमें जो इस्तेमाल किया गया है, समुद्री पौधों के द्वारा लिया गया, समुद्री शैवाल के द्वारा तैयार किया गया, क्योंकि आयरलैंड के समुद्री तटों से लिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के दूषित तत्व नहीं मिलते हैं। और ये ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक ट्रस्ट और ओएमआरआई के द्वारा लिस्टेड। इसमें हमें 6 महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं इसके रॉ मटेरियल में, साइटोकाइनेंस, बीटेन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एंजाइम्स और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। इन सारे तत्वों का काम एक ही है, फसलों को अच्छी से अच्छी पैदावार देना। फिर चाहे वो उनकी सेल्स को मजबूत बनाना हो, चाहे
पौधों में जो फल लग रहे हैं उनको अच्छा आकार देना हो, अच्छा वजन देना हो, चाहे पौधों की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ानी हो, ये सारे पौधों को सक्षम बनाने में मदद करते हैं। इसमें आपको 60 मिनरल्स मिलते हैं, 21 अमीनो एसिड्स मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। एल्जिनिक एसिड का फायदा इसमें मिलता है जो कि मिट्टी की स्थिति को सुधारता है, सॉइल कंडीशनिंग करने में मदद करता है। इसमें पॉलीफिनॉल्स मिलते हैं जो कि सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी बचाते हैं। खास सीवीड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्प्रे ड्राई टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे बनाएंगे, जिससे कि इसकी जो पौष्टिकता है वो नष्ट ना हो और इसके जो सक्रिय तत्व हैं उसकी गुणवत्ता बनी रहे। दूसरा, इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले रिसर्च बैक्टीरिया, ये रिसर्च बैक्टीरिया हमें ढेर सारे मेटाबोलाइट्स प्रोवाइड करते हैं जो पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं। साथ ही एक्सपर्टाइज फॉर्मुलेशन है, स्टेबल कंपाउंड है, प्लांट न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट है, बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं, लंबी शेल्फ लाइफ के साथ में मिलता है। इसको बनाने में सिर्फ विज्ञान ही नहीं, पूरी की पूरी एक कला भी लगी है। आयनिक टेक्नोलॉजी के फायदे क्या है? अभी हमने देखा कि हमारे एक्टिव मैक्स में सीवीड्स हैं, रिसर्च बैक्टीरियाज हैं। तो आइए समझते हैं कैसे ये काम करते हैं, फायदे कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारे एक्टिव मैक्स में रिसर्च बैक्टीरियाज हैं, ये मेटाबोलाइट्स बनाते हैं जो पौधों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और साथ ही इन बैक्टीरिया, ये जो रिसर्च बैक्टीरिया हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी हो इसके लिए इनमें खास, इनको नरिशमेंट देने के लिए इसमें अमीनो एसिड और शुगर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज को अच्छी बनाते हैं। अब ये बैक्टीरिया करते क्या है? ये बैक्टीरिया सफेद जड़ों के निर्माण में मदद करते हैं और सफेद जड़ों का काम होता है पोषण को अवशोषित करना। यानी कि जितने अच्छे बैक्टीरिया उतनी ज्यादा सफेद जड़ें, जितनी ज्यादा सफेद जड़ें उतना ज्यादा पोषण पौधों के द्वारा लिया जाएगा। और साथ ही ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज करने में भी मदद करते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि में भी मदद करते हैं जो कि पौधों का भोजन बनाता है। तो कुल मिला के ये पौधों को सक्षम भी बनाते हैं और उन्हें रोगों से लड़ने के काबिल भी बनाते हैं। तो ये है हमारी आइनेट टेक्नोलॉजी, इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी। तो इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, पौधों को तनाव से बचाते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन अपटेक मिले इसलिए व्हाइट सफेद जड़ों का भी निर्माण करते हैं, क्लोरोफिल सिंथेसिस में काफी हेल्प करते हैं। तो एक्टिव मैक्स हमें कहाँ कहाँ मदद कर सकते हैं? तो एक्टिव मैक्स हमारे बीजों के अंकुरण में मदद करते हैं, अच्छा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करने में मदद करते हैं, प्लांट ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं, तनाव से बचाते हैं, साथ ही साथ पौधों में अच्छा फूल हो फल बने इसमें मदद करते हैं, अच्छी पौधों की हमारी जो फल फूल हैं सब्जियां हैं इनकी गुणवत्ता अच्छी बने रहे इसमें मदद करते हैं, अच्छी फसलों की पैदावार को हेल्प करते हैं, और साथ ही मिट्टी में बैक्टीरियल की कॉलोनीज माइक्रोफ्लोरा अच्छा बना रहे इसमें भी मदद करते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? तो एक्टिव मैक्स को हम लोग दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो पौधों की अवस्थाओं के अनुसार, यानी कि जब उनमें पत्तियां आने वाली हों, या जब फूल आने वाले हों, या जब फल आने वाले हों, और दूसरा जब हम उनकी रोपाई करते हैं यानी कि उनकी बुआई करते हैं। तो जब हम बीज बोने जा रहे हैं या रोपाई करने जा रहे हैं तो हम इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला है सीड ट्रीटमेंट मेथड, यानी कि बीज उपचार विधि, जिसके अनुसार हमें प्रति 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल करना है, इसका घोल बना लेना है, और इस घोल में बीजों को 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखना है। याद रखिएगा उतने ही बीज लीजिएगा जितने की भीग सके। तो 10 से 15 मिनट बाद भिगोने के बाद इसको आप छान लें और छानने के बाद खेतों में इसकी बुआई करें। दूसरा है सीड कोटिंग मेथड।
यानी कि बीज लेपन विधि, ये उन बीजों के लिए होता है जिनको हम पानी में भिगोते नहीं है। तो ऐसे में प्रति 1 किलो बीज पे 2 से 3 ml एक्टिवमैक्स का हमें प्रयोग करना है। एक अच्छा सा पॉली बैग लीजिए, बीज लीजिए, और अगर 1 किलो बीज है तो उसमें 2 से 3 ml एक्टिवमैक्स डालिए, अच्छे से शेक करिए, चेक करते रहिए और देखते रहिए कि अगर बीजों पे कोटिंग आ जाए तो उसकी बुआई कर दीजिए। हर बीज पे एक समान कोटिंग आ जाए जब, तो उनकी बुआई कर दीजिए। तीसरा है रूट डिपिंग मेथड, जिनको हम नर्सरी प्लांट्स में यूज करते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनको हम जड़ समेत प्रतिरोपित करते हैं। तो उसमें आपको रूट डिपिंग मेथड यूज करना होगा, जिसमें हमें 2 से 3% का सॉल्यूशन बनाना होता है, यानी कि प्रति 100 ml में 2 से 3 ml एक्टिवमैक्स को मिला लें, घोल बना लें, और उसमें जो हमारे पौधों की जड़ें हैं उसको 4 से 5 मिनट के लिए भिगो दीजिए, और डिप करने के बाद 4 से 5 मिनट के बाद उसको अपने खेतों में आप वापस से इस प्रतिरोपित कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये है रोपाई के समय या बुआई के समय। अब बात करते हैं जब अलग अलग अवस्थाएं आती हैं तो कैसे यूज करना है। तो जब हमारे पौधों में वेजिटेटिव स्टेज हो, यानी कि जब पत्तियां आने वाली, तो प्रति लीटर पानी में 1 ml के अनुसार एक्टिव मैच का हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, जब फूल आने वाले हों तो भी प्रति लीटर में 1 ml के अनुसार हम इस्तेमाल करेंगे, मगर जब फल आने वाले होंगे तो प्रति लीटर पानी में हमें 2 ml एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल करें। तो एक्टिव मैक्स हमारे हर प्रकार के फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के साथ कंपैटिबल है, और साथ ही हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि जब कभी भी हम खेतों में कोई भी उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम उसका एक छोटा सा टेस्ट जरूर करते हैं, वैसे ही एक्टिव मैक्स का भी एक पूरे टैंक में मिलाने से पहले एक छोटा सा मिक्सिंग टेस्ट जरूर कर ले। एक्टिव मैक्स एक गाढ़ा कत्थई रंग का, एक बहुत ही ब्लैकिश ब्राउन कलर का प्रोडक्ट है, जो बहुत ही गाढ़ा लिक्विड है मगर घुलता बहुत आसानी से है। विषैले पदार्थ इसमें नहीं पाए जाते, 5 वर्षों की शेल्फ लाइफ मिलती है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि इसको ठंडी सूखी जगह पर रखना होता है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, जब भी इस्तेमाल करें इसका ढक्कन अच्छे से बंद जरूर कर लें, और हाँ मिक्सिंग टेस्ट जरूर कर लें। तो एक्टिव मैक्स को आप किसी भी तरीके की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन जैसे कि फील्ड की क्रॉप्स हैं, दलहनी है, सब्जियों की खेती है, बागवानी कर रहे हैं, घर का हमारा गार्डन है, चारे की खेती कर रहे हैं, फूलों की खेती कर रहे हैं, हर एक खेती में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव मैक्स हमारे फसलों की चयापचय क्रिया को बढ़ाता है, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, फसलों की पैदावार अच्छी होती है और किसानों का लाभ है। ये थे हमारे 2 बहुत ही शक्तिशाली और क्रांतिकारी प्रोडक्ट मोदी केयर के एग्रीकल्चर कैटेगरी के, एक्टिविटी एंड एक्टिव मैक्स। तो ये थी हमारी आज की फार्मर्स फ्राइडे की ट्रेनिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। ऑल द बेस्ट।